आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं, तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रीड इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाव। आज जैसे दुनिया बदल रही है, आज युद्ध के दायरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं, आज जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाएं बन रही है, तब भारत को भी टुकड़ों में सोचने से नहीं चलेगा। हमारी पूरी सैन्य शक्ति को एक मुश्त होकर के एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी। और इसलिए वेल्थ क्रिएशन ये भी हमारे जैसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण अहमियत रखता है। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। एक सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिका अदा की है उनके सम्मान की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रयासों के उदाहरण लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बाहर है उनको जोड़ करके जनसंख्या विस्फोट इसकी हमें चिंता करनी ही होगी। कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। हम लगातार प्रयास करें और हम इस